हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉइस धोन किचन में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए मैं वेज पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, तो देखिए इसके लिए सामग्री क्या लगती है। पहले तो हमने टमाटो लिया है, टमाटो, पत्ता गोभी, मटर, प्याज, नींबू, शिमला मिर्ची, और इसमें पुलाव में पाने के लिए कलर भी लिए हमने, खाने जो खाने के आते हैं वो, और मिर्ची मसालों में मिर्ची, हल्दी, राई जीरा मसाला, वो मसाला घर का भी ले सकते हैं या फिर बाहर से मार्केट में जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम राई जीरे का तड़का लगाएंगे। पहले जीरा डाला है, अब राई, इसके बाद दोस्तों हमें प्याज भून लेना है अच्छी तरह। प्याज अच्छी तरह ब्राउन होने दीजिए। हमें थोड़ी थोड़ी देर का ऐसे हलाते रहना चाहिए वरना जल जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे प्याज थोड़े अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्ची ऐड करेंगे। और पत्ता गोभी आधी ऐड करेंगे और आधी बाद से डालेंगे। एक्चुअली राइस हमने ना पहले ही बना के ले लिए है, जीरा राइस बनाना चाहिए दोस्तों। और यह अच्छी तरह से भून लीजिए। गैस की आंच फुल पे रखिए और साथ ही हम इसमें मटर ऐड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच, और इसे अच्छी तरह भून लीजिए। हालांकि पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। और इसे अच्छी तरह हलाते रहिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं जो कट कर कर रखा हुआ था मैंने, और हम अब इसमें हल्दी, और गैस की आंच कम कर दीजिए जब मसाले डालते तो वक्त। आप अपने राइस के हिसाब से डालिए। मिर्च, मसाला अपने हिसाब से डालिए। नमक स्वाद अनुसार ऐड करिए। नमक मैंने राइस में डाला हुआ है इसलिए कम डाल रही हूँ।
और इसे अच्छे तरह मिक्स कर कर भूनें। आंच अपनी फुल कर लीजिए गैस की। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करते हैं। और इसे अच्छे से भाप पे होने देते हैं। पन कट करके रखा हुआ था वैसे डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे मसालों को ऐसे थोड़ी देर ऐसे पकने देना चाहिए। देखिए दोस्तों, वेज पुलाव का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें राइस छोड़ने वाले हैं। तो हमने कुकर में जीरा राइस ऐसे बना के ले चुके थे, जो जिसमें खड़े मसाले वो सब डालकर हमने तेल से तड़का लगा लिया था। और ये जो पत्ता गोभी और कोथमीर हम इसमें मिक्स करके इसमें डाल देंगे। देखिए मैं डाल रही हूँ। डालने के बाद दोस्तों राइस को पूरा मिक्स कर लीजिए मसाले के साथ। देखिए दोस्तों, मैं मिक्स कर रही हूँ। पूरी अच्छी तरह मेल्ट कर लीजिए मसाला। दोस्तों मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, ये कलर आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ग्रीन और ऑरेंज मेरा फेवरेट है। अब हम पुलाव को धीमी आंच पे ऐसे प्लेट ढक कर पकन देते हैं। 10 से या 15 मिनट में ये पुलाव हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, पुलाव खाने के लिए एकदम हम रेडी है। तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम इसमें इस पर हरा धनिया डालते हैं, क्योंकि दिखने को और खाने को बहुत अच्छा लगेगा। और छोटा सा नींबू कट करके रखेंगे और साथ में प्याज। एकदम रेडी है, खाइए, एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन करके बटन को दबा दीजिए। थैंक यू।